4 महीने की समय दी गई है, आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है, ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए, टेक योर टाइम, 4 महीने है, बाय सितंबर 30th प्लीज एक्सचेंज इट, एंड टाइम इज गिवन अप टू सितंबर 30th सो दैट इट इज टेकन सीरियसली। सितंबर 30 के बाद क्या होगा? देखिए सितंबर 30th का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए, 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30th तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए, ये अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं जितना डिफिकल्टीज है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है, आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा। एक तरफ आप कर रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या हुआ? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will, yes, please. Just adding, so what is happening, sir, is that... No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं। आप ऐसे रुकिए, आप अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ, पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है, वो जब 2000 रुपए के नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं, कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर, हमने तो कहीं पे नहीं कहा उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे, हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. I cannot make a speculative, give a speculative answer कि 30th September के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई legal tender जो है वो सिर्फ 30th September तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। नहीं देखिए, हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करिए, हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा। 3,62,000 करोड़ रुपए जो 2000 के नोट के फॉर्म में हो सर्कुलेशन में है, क्या आपको लगता है कि 30 सितंबर तक ये सारे पैसा जो सिस्टम में वापस आ जाएगा सर? और मैंने तो कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि
मोस्ट ऑफ दिस नोट्स विल कम बैक। अगर ये नहीं आया सितंबर तक तो क्या ये दिसंबर? इसका भी मैंने जवाब दे चुका हूँ कि देखिए अभी तो शुरू नहीं हुआ एक्सचेंज, कल से शुरू होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वापस आ जाएंगे। 20,000 की आपने लिमिट रखी है सर, ये लिमिट तो 50,000 भी हो सकती थी क्योंकि पैन कार्ड की जरूरत आपको 50,000 से ऊपर रहती है। सेकंडली सर, जो आपने इसे 20,000 आप देखिए 2014 में, मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि 2014 में जनवरी में जो 2013-14 जो कि जनवरी 2014 में जो फाइव पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने था, उस टाइम भी था कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस। अभी भी 10 पीसेस किया है, 2000 × 10 पीसेस 20,000 बनता है। तो एंड फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो, मान लीजिए कोई बैंक में सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं बहुत बिग कैश लेके, फिर वो बैंक का भी नॉर्मल ऑपरेशन है, अदर कस्टमर्स आर देयर, लेकिन करेंसी नोट्स आर अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, चिंता ही कोई कारण नहीं। So,